नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। बिल्डरों और पेटी कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते आए दिन जहां श्रमिक अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं हाथ पैर गंवा कर घर में बैठे हैं। आलम यह है कि अब पूंजीपतियों के सामने शासन और प्रशासन नतमस्तक है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसके चलते श्रमिकों की मौत के बाद शिकायत और जाँच के नाम पर खानापूर्ती के बाद मामला दबा दिया जाता है। ताज़ा मामला महिया थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर का है, जहां निर्माणाधीन भवन में गिरने से मोहम्मद जावेद नाम के श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मॉर्चरी पे पहुंचा दिया है और जांच की बात कर रही है, जबकि परिजनों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के द्वारा श्रमिक का 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए विगत 3 माह से दोनों के बीच विवाद था। उन्हें शंका है कि श्रमिक के साथ कोई अनहोनी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घटना के बाद ठेकेदार और साथी श्रमिक फरार हो गए, यहां तक कि मृतक का सामान भी मौके से नहीं मिला है। आइए आपको सुनाते हैं मृतक के परिजनों और थाना प्रभारी शिव अग्रवाल का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। मेरे को 11 बजे रात बताया गया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत गड़बड़। कहाँ पे काम करता था ये? अर्जुन नगर में। चाहे का काम करता था? वो लेबर की नहीं करता। कौन ठेकेदार के अंदर में काम करता था कुछ पता? अनाजी जी। अभी क्या स्थिति है, क्या पता चला? वो 11 बजे रात है फोन किया, जब हम लोग आए तो मेरे बच्चे को मोबाइल से बात किया और वो मोबाइल लेके भाग गया। जब हम लोग आए तो हमें लोगों को कोई नहीं मिला। फिर क्या आपने देखा? फिर मैंने देखा तो वहाँ जब आया तो मेरे बच्चे को वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ख़त्म हो गया। तो कब से काम कर रहे हैं आप? 5-6 महीने से काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये गिरने से हुई या मारपीट से हुई, कैसे? हमारी तो समझ में सर है कि मारपीट हुई उसके साथ। यहाँ ये काम करता था, वहाँ लोग कोई मिले आपको? लेवा कोई नहीं मिले सर, कोई नहीं मिले सर। सब वहाँ से सब बर्तन खाने वाला बिस्तर सब पता नहीं कहाँ जा दिए थे। उसका कार्ड भी पूरा है, 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं दिए उसको। देर पूरी तक भी घटना की सच्चाई सामने अभी तक जितनी भी तफ्तीश इस मामले की हुई है, ऐसी जानकारी निकल के आई है कि अर्जुन नगर में एक बिल्डिंग है निर्माणाधीन, जिसमें काम चल रहा है, और वहाँ पर जो लोग लेबर मौजूद थे उनका बताना ये है कि ये व्यक्ति जो है मृत हुआ है, गिर के और जो है मर गया है। तस्दीक और जितने भी लोग थे ये सब नदारद हो गए थे अस्पताल छोड़ने के बाद। जिस बात की तस्दीक की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, जैसा भी घटनाक्रम निकल के सामने आएगा वैसी ही सर। किस ठेकेदार के अंदर काम चल रहा था कुछ? अभी 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं ठेकेदारों के, कोई कन्फर्म नहीं हो पा रहा, ना कोई लिखित हमको कागज़ मिल पाया है। अनादि करके कोई नाम आ रहा है और एक कोई बजाज करके नाम आ रहा है, 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं जिनका अधिकृत रूप से काम चल रहा होगा। अगर उनकी लापरवाही है तो उन पर लापरवाही की कार्रवाई की जाएगी, या जो भी निकल के आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किसका भवन है सर, कहाँ निर्माण चल रहा है? ये भवन किसका है जिसका निर्माण चल रहा है? भवन किसी जामवानी का बताया जा रहा है निर्माण, और ये ठेकेदार की काम। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।